नमस्कार बंधुगण, यही अध्याय आम बालबाटिका अंगनवाड़ी पिलामानंकर भाषा शिक्षण निमन्ते क्यों समस्त श्रेणी कार्य कराजिबा दरकार से विषय जानिबा। ताले आसुन भिडियोटी को संपूर्ण देखिदबा। ये होछन्ते मिस्टर दास, से दुई जन शिक्षाविद पाखक बालबाटिका शिक्षा व्यवस्था विषय किसी जाना जाऊँगी। आसतु से कौन कथा आम शुणा। सर नमस्कार, बालबाटिका बा अंगनवाड़ी पिलामानंकर भाषा और संख्या ज्ञान शिक्षण केउ प्रक्रिया रे हेबा दरकार से विषय रे मु टिक बुझिबा को चाहौ छे। ठीक अछि, नूतन शिक्षा नीति 2020 रे अंगनवाड़ी पिलामानंक बाबत रे कोन कहै छि आसो ताकु आगो जानि नबा, तापर पाठ पढा कथा बुझिबा। नूतन शिक्षा नीति 2020 रे विद्यालय शिक्षा निमन्ते नूतन शैक्षिक और पाठ्यक्रम ढांचार प्रस्ताव रखा जाय छि। नूतन शैक्षिक और पाठ्यक्रम ढांचाटी हेउची 5 वर्ष + 3 वर्ष + 3 वर्ष + 4 वर्ष, एहा संपूर्ण बुझिबा। आसंतु प्रथम 5 वर्ष हेउची अंगनवाड़ी प्रथम श्रेणी एवं द्वितीय श्रेणी अर्थात 3 वर्ष - 8 वर्ष, एहाको आमे मौलिक स्तर बोली कहिथाउ। जातीय शिक्षा नीति 2020 नियम अनुजाई पिलाटीए 3 वर्ष बयसरु अंगनवाड़ी शिक्षा आरंभ करिवो, 5 वर्ष शेष पर्यंत एहि शिक्षा चालू रहिवो, ठीक 6 वर्षरे प्रथम श्रेणी शिक्षा आरंभ करिवो। अधुना ओडिशा को मिसाई आउ केते गोटी राज्य रे एही नियम प्रचलित होई नाही। देखंतु पिलाटीए प्रथम श्रेणी शिक्षा आरंभ करिबा पूर्वरु 3 वर्ष धरी एक शिक्षा व्यवस्था मध्य रे निजकु प्रस्तुत करिबो। सेही शिक्षा व्यवस्था टिकु अंगनवाड़ी प्राक विद्यालय शिक्षा बा बालबाटिका बा प्रस्तुति श्रेणी नाम रे आमे नामित करिछंती। एही शिक्षा व्यवस्था रे जणे तालिमी प्राप्त ईसीसी टीचर पिला मानंकु क्रीड़ा आधारित ज्ञानगत भावगत और क्रियात्मक दक्षतार विकास निमन्ते शिक्षा प्रदान करिबे। प्रथम श्रेणी को जिबा पूर्वरु बालबाटिकार बा अंगनवाड़ी स्तर रे पिला माने भाषा संबंधी केउ सब दक्षता सिखिथिबा दरकार ता आसंतु जानिबा। पिलाटीर मौखिक भाषा पठन और लिखन दृढ़ीभूत हेबा निमन्ते ताकु 10 गोटी दक्षता हासिल करिबाकु पड़िथाय। आसंतु सेगुडी को गोटी गोटी करि जानिबा। पिलाटी सांग और शिक्षकंक सहित कथा हेबो, सांगमानक सो साधारण कथाबार्ता शिक्षकंक सो साधारण कथाबार्ता सहित पाठ संबंधी कथाबार्ता मध्य हेबो। द्वितीय दक्षता होउछि पिलाटी बुझी करी कविता और गीत गाइबो, गीतर ताले ताले अभिनय करिबो, चित्ररे थिबा चरित्र को बुझिबो, निजे गीत गाइबो एवं सांगमानक सहित गीतर मजा नेबो। तृतीय दक्षता हिसाबरे बहिरे थिबा चित्र को देखी बुझी गप पढ़ा चेष्टा कर, अर्थात पिलाटी गप को अनुमान कर, चित्र देखी अनुमान कर, गपटी को चित्र सहायता रे बुझापी चेष्टा कर। चतुर्थ दक्षता हिसाब से पिलाटी बारंबार कह जा किसी परिचित शब्द को चिन्ह और चिन्हट कर। शिक्षक श्रेणी में जो सब शब्द व्यवहार करती निज सांगसाथी सहित जो सब शब्द व्यवहार करती से शब्द को चिन्हट कर चिन्ह जान। पंचम दक्षता हिसाब से पिलाटी श्रेणी में ध्वनि अनुजाई अक्षर को पढ़ी, अर्थात विभिन्न ध्वनि को विभिन्न वस्तु सहित जोड़ एवं से वस्तुर नाम मध्य जान, अर्थात ध्वनि सह वस्तु को जोड़ी वस्तुर नाम चिन्ह। तापर आम जा षष्ठ दक्षता, दुई अक्षर विशिष्ट शब्द को पढ़ी पिलाटी, से जानिथिबा दुई अक्षर विशिष्ट शब्द एवं बहिरे देखुथिबा दुई अक्षर विशिष्ट शब्द गुड़ी को से पढ़िबो चिन्हट करिबो एवं चित्र देखि से गुड़ी को पढ़िबा पई मध्य चेष्टा करिबो। एही सबुठु गुरुत्वपूर्ण दिग, एही पिलार प्रकृत पठन आरंभ होइथाय। ए छड़ा आमे सप्तम दक्षता हिसाब से पिलाटी को कौन शिखेबा ना खेल खेल रे चिन्हिथिबा अक्षर गुड़ी को लेखिबो।
से जेउ सब अक्षर को चिन्हिचि ताकु लेखिब। अष्टम दक्षता हिसाब से पिलाटी निजर भाव व्यक्त करिबा पई पेंसिल व्यवहार करी चित्र अंकन करिब एवं निजर भाव को व्यक्त मध्य करिब। ये हूँ सबुठ बड़ गुरुत्वपूर्ण कथा जहाँ लिखन पर्याय भितर आसुअ। नवम दक्षता हिसाब से पिलाटी पेंसिल को ठीक भाव धरवा शिखब एवं ता व्यवहार कर अक्षर लिखन आरंभ कर। ये समस्त कार्य लिखन पर्याय भुक्त अटे। दशम दक्षता भाव में पिलाटी निज नाम प्रथम शब्द को चिन्हब और लिख ठीक मौखिक भाषा पठन और लिखन एमती तीनोटी पर्यायर समुदाय दस गोटी दक्षता ग्रहण करवा आवश्यक एवं खूब गुरुत्वपूर्ण मध्य कौन एथर बुझल तो बालबाटिका स्तर में पिला समुदाय दस गोटी दक्षता शिखा आवश्यक। ताहले एथर संख्या ज्ञान कथा बुझा बालबाटिका स्तर में पिलामानंकर संख्या ज्ञान शिक्षण निमन्ते क्यों सब श्रेणी कार्य कराजिबा आवश्यक से बापदरे आसंतु जानिबा। प्रथम दक्षता भाव में पिलाटी दस पर्यंत संख्या को वस्तु को गणिब। द्वितीय दक्षता भाव में दस पर्यंत संख्या को चिन्हिब और पढ़िब। तृतीय दक्षता भाव में दस पर्यंत संख्या मध्ये तुलना करिब और अधिक कम समान आदि को व्यवहार करिब। चतुर्थ दक्षता भाव में संख्या घटना वस्तु और आकृति को क्रम से सजाइब। पंचम दक्षता भाव में वस्तुगुड़िकर आकृति आकार और विशेषता आधार में वर्गीकरण करिब। षष्ठ दक्षता भाव में निज अंचल देखुवा वस्तु को तुलनात्मक उपस्थापन करिब। एथर गोटी गोटी करी कथा बुझिबा आसंत। दस पर्यंत संख्या और वस्तु को गणिब। पिलाटी एक रु दस दस रु एक पर्यंत खूब भल भाव जेपरी गणी पार से दक्षता टी हासिल करने आवश्यक। द्वितीय गुरुत्वपूर्ण दक्षता टी हूँ दस पर्यंत संख्या को चिन्हिब और पढ़िब। देखु पिलाटी एक रु दस बा दस रु पुणी ओलटी एक पर्यंत प्रत्येक अंक को चिह्नट कर एवं सेगुड़ी को पढ़ी मध्य पारिब। ए दक्षता टी आम पाखे सुनिश्चित करने आवश्यक। तृतीय दक्षता हिसाब से पिलाटी दस पर्यंत संख्या मध्य तुलना कर अर्थात बड़ सान समान यहपर भाव तुलनात्मक कौशल शिक्षा कर खूब गुरुत्वपूर्ण अटे। परवर्ती दक्षता को जीवा जहाँ चतुर्थ दक्षता पिलाटी संख्या घटना वस्तु ओ आकृति को क्रम से सजाइब। बड़ रु सान क्रम सान रु बड़ क्रम भाव क्रम सजाइबा शिखिब। पिला आकृति आकार को नहीं क्रम तैयारी कर। पंचम दक्षता भाव में पिलाटी वस्तुगुड़िकर आकृति आकार ओ विशेषता आधार रे सेगुड़ी को वर्गीकरण करिब। केउं वस्तुटी केउं वर्ग भीतर को आसुअछि से प्रकार ज्ञान मध्य से हासिल करिब। परवर्ती दक्षता हिसाब से पिलाटी निज आखपाखरे मिलुथिबा वस्तु को देखि तुलनात्मक उपस्थापन करिब जथा सबुठारु लंबा सबुठारु बड़ सबुठारु सान अधिक कम ए सबु दक्षता मध्य हासिल करिब। एही भली भाव रे संख्या ज्ञान रे समुदाय छ गोटी दक्षता हासिल करिब। कौन दास बाबू संख्या ज्ञान रे केउं केउं दक्षता पिला हासिल करिबा दरकार से कथा जानिल। एथर आसंतु घर को जिबा।